एवरीवन, आज की वीडियो में हम ब्यूटीफुल और सिंपल सी ड्रेस बनाना सीखेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि आप लास्ट मिनट लॉकडाउन में घर पर बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर है दिखने में और बनाने में भी बहुत इजी है। आपके घर पर सब कुछ मिल जाएगा जिससे मैंने इसे बनाया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक सिंपल स्टाइल में पगड़ी बांधना भी सिखाया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, बिल्कुल एक नई जो साड़ी थी, हम जब पीको करवाने के लिए उसको देते हैं तो हम साइड से थोड़ा सा पार्ट कट करके निकालते हैं, तो मैंने वही इसमें से कट करके लिया है। सेम जितना लेंथ साड़ी का होता है उतना ही है ये पूरा। एक पतली सी 5 सेंटीमीटर की पट्टी निकाली है और उसके ऊपर हम ये वाला लेस लगा रहे हैं, इसको गोटा बोलते हैं। ये भी आपको कहीं ना कहीं बचा हुआ मिल जाएगा घर पे, या कोई और लेस हो तो वो भी लगा सकते हो, और नहीं है तो फोल्ड कर देना नीचे से। अब यहाँ पर हमें सिंपली प्लिट्स डालनी है। इजी होती है प्लिट्स डालना, बस थोड़े थोड़े से पार्ट्स को पकड़ के और एक के ऊपर एक रखते जाना है। और ये बस एक थोड़े से पार्ट्स को हमें उठा करके कपड़े को आगे की तरफ रखना है, स्टिचिंग करते जाना है। अगर आपको सिलाई मशीन नहीं आती, मतलब सिलाई मशीन से करना नहीं आता है, तो आप हाथ की सुई से, हाथ से भी इसे कर सकते हैं। और इस तरह से हमें इसमें इससे प्लिट्स डालती जानी है। और अगर आपका कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट वाला है तो इतनी अच्छी प्लिट्स नहीं आएंगी, ये जो है थोड़ा कॉटन जैसा कपड़ा है जिसका। तो इस तरह हम सिंपली प्लेट्स ले रहे हैं। और अगर आपको प्लेट्स लेनी नहीं आती तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो जितना भी कपड़ा था मैंने उसमें पूरा प्लेट्स ले ली हैं आराम से, जितने भी मतलब साड़ी का एक किनारा होता है। उसके बाद जब मैंने उसको राउंड शेप दिया, ऐसे घुमा दिया, तो जहाँ सर्कल कम्प्लीट हो रहा था वहाँ से मैंने इसे कट करके अलग कर लिया और इसके किनारों पर भी इस लेस को लगा दिया है। इस तरह से किनारे पर हमने लेस लगा ली है और कंप्लीट कर लिया है इसको। अब बारी है हमारे यहाँ पर चोली बनाने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साटिन का जो बॉर्डर था मैंने उसको यूज़ करा। आप सेम कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको ऐसे प्रेस कर दे रही हूँ जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब चलते हैं हम चोली की तरफ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी 2 पट्टियाँ कट करी हैं इस तरीके की, जो हमने बचा हुआ पार्ट निकाला था उसी में से, और उसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा देंगे दोनों के ऊपर। और फिर हमें इसे उल्टी तरफ निकाल लेना है। पहले हम 2 के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर एक हाथ वाली सुई है उसकी मदद से हम इसे उल्टी साइड उल्टी डायरेक्शन में निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको सुई को इंसर्ट करना है और उसे अंदर की तरफ डालना है पीछे की साइड से और आगे की तरफ से इसे निकालना है। तो जैसे ही आप इस थ्रेड को खींचेंगे ये जो कपड़ा है ये पलट जाएगा बड़ी आसानी से। बाकी इतने छोटे पर कपड़े को पलटने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस तरह से जब आप इसे खींचते जाएंगे तो ये इस तरह से इसका सीधा वाला पार्ट आगे आ जाएगा। तो दोनों तरफ की जो पट्टियाँ थी उनको इस तरह से निकाल लिया है। अब इनको हम यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे। मशीन से कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, बस इसे ध्यान से देखिए किस तरह से सिलाई लगानी है। इन दोनों को आधा ही जोड़ना है, पूरा तरफ नहीं जोड़ना है। आधा जोड़ने के बाद हम इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लेंगे, फिर थोड़ा साइड में करके सिलाई लेंगे और वापस इसे डाउनवर्ड लेके आ जाएंगे, और फिर ज़िगज़ैग मैनर में भी ले लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है फ्रंट का पार्ट हमारा वो कम्प्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस चोली को उसमें ले जाकर घेर में ले जाके ऐड करना है। ये घेर हमने पहले बना लिया था, तो इस पे हमें जो हमने सिलाई कर लिया था आधा पार्ट उसको इस तरीके से लगाना है। फिर से दोहराऊंगी मैं, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है मशीन से सिलाई करना तो आप हाथ से बड़ी ही आसानी से और सिंपल तरीके से सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से मशीन से डॉट्स लगा दे रही हूँ और फिर इसे निकाल दे रही हूँ और कैंची से कट कर लिया है। अब जो एक पट्टी है उसको इस तरह से पकड़ के यू शेप में घुमाया है और यहाँ पर भी हम सिलाई ले लेंगे। यू शेप में घुमा करके यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। ऐसा का ऐसा हम दूसरी वाले के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई लगा देते हैं मशीन से और 3-4 बार अच्छे से मशीन से हम इस पर मजबूत सिलाई ले लेंगे। और थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा आगे छूट रहा है, क्योंकि मेरे जो कान्हा जी छोटे तो हैं वो बहुत
और पर मुझे घेर बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो थोड़ा सा पार्ट मैं छोड़ दे रही हूँ, पहनाते टाइम मैं उसे थोड़ा सुई धागे की मदद से टाइट कर लूँगी कच्चा टांका लेके। तो इस तरह से मैंने इस दोनों जो आस्तीन है या चोली है उन दोनों को ऐड कर लिया है और इस कैंची से कट करके अलग कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है इस पर भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी, सीधी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी जिससे कि ये पूरा घेरा है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आप ये जो सिला वाला पार्ट है इसको फ्रंट साइड रख सकते हैं और जो ओपन वाला पार्ट उसे बैक साइड रख सकते हो और पहनाने के बाद थोड़ा सा स्टिच करके उसको क्लोज कर सकते हो। तो देखिए कितनी प्यारी सुंदर और सिंपल सी ड्रेस बनी है, दिखने में बहुत अच्छी है और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और इसे हम पहना देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से, और फिर जो पीछे वाला जो क्लोज पार्ट है वहाँ पर मैंने डोरी वोरी कुछ नहीं लगाई है, बस मैं इसको स्टिच कर दूँगी। मतलब एक दो टाँका ले लेंगे हम, कच्चा टाँका जिसे हम कभी भी खोल सकते हैं और उससे हम इस ड्रेस को एकदम फिट कर देंगे इनको। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपकी कान्हा जी के लिए आपको ड्रेस बनानी है जन्माष्टमी पर, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं इस मतलब कोरोना टाइम में, तो आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। और ये जो ज्वेलरीज हैं इनका भी ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने सारा बांसुरी और मुकुट वाला भी पार्ट डाल रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब पार्ट है हम कान्हा जी को साफा कैसे पहनाए। तो मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया था, उसके दोनों साइडों पर कोर लगा दी थी। अब यहाँ पर इस तरह से हम एक गांठ ले रहे हैं बहुत ही ढीली सी, और फिर हम इनके सर पे इसे ऐसे पहना देंगे और फिर इसे खींच के टाइट कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक हो गया साफा पहनाने का। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको थोड़ा खींच करके अच्छा फ्रिल वाला लुक दे देंगे। उसके बाद हम चाहे तो हाथ वाली सुई से इसके अंदर थोड़े से सल भी भर सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा एकदम राजवाड़ी सांपे की तरह, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम घर पर कान्हा जी की ड्रेस विद दिस ब्यूटीफुल रॉयल पगड़ी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ मैं इस पर थोड़ा और अच्छा मतलब लुक देने के लिए, और अगर हम इसे बार बार रिमूव कर सके इस तरह बनाने के लिए, जो थोड़े थोड़े पार्ट हैं उनके ऊपर सुई धागे की मदद से स्टिचिंग ले रही। तो इस तरह से है जो हमारे कान्हा जी का पूरा गेटअप रेडी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए सबके साथ। जन्माष्टमी के सबको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं, और आप अपने घर पे बनाइए और शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, और कोई भी परेशानी है तो आप मैसेज करके इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं।